बीमार मरीजों की संख्या अगर हम देखें वो लगातार बढ़ रही है। जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का डाटा है वो कहता है कि हर साल 20 लाख नए दिल के मरीज डायग्नोज होते हैं। हमारे देश में जो तेजी से बढ़ रही दिल की बीमारी है, इसका जो कुछ विशेष कारण है जिसके लिए हमारी जो जेनेटिक पूल है भारतीयों की, वो उनमें दिल के रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जा रहा है तो कुछ खास कारण जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, तंबाकू धूम्रपान या तंबाकू किसी भी फॉर्म में उसका सेवन करना, इनएक्टिविटी जो ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करने लगे हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ में खेल कूद और वर्कआउट कम होता जा रहा है, और कुछ लोगों में ये जेनेटिक होता है, अगर किसी के माता पिता में कम उम्र में दिल की बीमारी हुई है तो उनको भी दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ती है। दिल की बीमारी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसके दो आयाम हैं। पहला तो ये कि दिल की बीमारी से कैसे बचें, और दूसरी चीज़ है कि दिल की बीमारी अगर किसी को है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आप दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, किसी भी तरह का नशा न करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल सलाद और साबुत अनाज इसको अपने आहार में लें, रोज़ 30 से 45 मिनट तक तेज चलें या स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें, जो भी व्यायाम आपके लिए संभव हो उसको करें, अपना वजन नियंत्रित रखें और रिलैक्स करें। किसी भी तरह से मेडिटेशन योगा जो भी आपको करना आसान समझ में आता हो उसे करें, इससे आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो होती है, इससे आप ब्लड प्रेशर डायबिटीज इन बीमारियों से बचते हैं, और जो बीमारी दिल की 50 साल में होनी है हो सकता है वो आगे 60 साल या 70 साल की उम्र में आपको